हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड लेसन नंबर 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टुडे आई स्टार्टेड अ न्यू पार्ट, पैराग्राफ नंबर 3। डू यू नो हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस? अ शॉर्ट काउंट रिवर्स टिम्बर पेपर लेग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट में जो भी मिलता है उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, टिम्बर पेपर लेग्स जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी मिलता है, जो भी कागज है, टिम्बर के जो वुड्स है, पेपर है, ये सब जितने भी इंडस्ट्रीज बनाते हैं वो लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर ये लोग डिपेंड रहते हैं। इंडस्ट्रीज वुड कंसिडर द फॉरेस्ट एज अ मेनली अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर दिस इस फैक्ट्रीज। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो भी फैक्ट्री वाले हैं, ये ओनली फॉर फॉरेस्ट में जो रॉ मटेरियल्स मिलता है ये उनके ऊपर ही खाली रॉ मटेरियल्स ही लेते हैं, ठीक है। यानी इन लोगों का एक अपना एक स्वार्थ है। स्वार्थ कैसा है कि यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट में से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो फॉरेस्ट को खाली इतना ही मानते हैं कि वहाँ से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है बस ले लो, और कोई चीज़ के ऊपर ये लोग डिपेंड बताते हैं, हमदर्दी बताते नहीं है। एंड हग इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबली द गवर्नमेंट फॉर एक्सेस टू दिस रॉ मटेरियल्स एट आर्टिफिशली लो रेट्स। यानी कि जो भी गवर्नमेंट है, ये लोग गवर्नमेंट भी इन लोगों को, जो इंडस्ट्रीज वाले, उनको भी कम दाम में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सिंस दिस इंडस्ट्रीज हैव अ ग्रेटर रीच देन द लोकल पीपल। यानी कि जो लोकल के, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोकल पीपल है, जो इंडस्ट्रीज वाले पीपल है, उनसे भी ज़्यादा गवर्नमेंट से अपने क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, और बहुत ऊंचे कॉन्टेक्ट होते हैं। किसके? तो इंडस्ट्रीज वाले के, इंडस्ट्रीज वाले के कॉन्टेक्ट जो गवर्नमेंट के, जो लोकल पीपल से कॉन्टेक्ट से ज़्यादा मजबूत होते। इसी कारण उन लोगों को, जो इंडस्ट्रीज वाले को, उनको जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन यानी जो भी मिलता है उनको कम दाम में मिलता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट इन अवर पर्टिकुलर एरिया। यानी कि वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोगों को। जैसे कि एक एरिया में, जैसे कि टिम्बर है, एक फॉरेस्ट में से जितने भी टिम्बर है उतने खत्म हो गया, तो वो दूसरे एरिया पे क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे, उस एरिया को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी कि उसके ऊपर उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द टीक ट्रीज इन वन एरिया, दे विल गेट देयर टीक ऑफ फोम फॉरेस्ट फादर अवे। यानी कि ये लोग, देखो मैंने बोला था कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि यहाँ पर किसी एक एरिया में सारे ट्रीज काटने के बाद, यानी कि कुछ बचा ही नहीं है उस जंगल में, तो वो जो लोग क्या करेंगे, उसी जंगल को वैसा ही छोड़ देंगे और दूसरे जंगल पे, दूसरे फॉरेस्ट के एरिया पे वो लोग क्या करेंगे, अपना हक जगवाएंगे, फिर से वहाँ से इसी तरह से कम दाम में गवर्नमेंट के पास अपने पैसों से वो लोग चीज़ें खरीदेंगे। दे डू नॉट हैव एनी स्टेक इन एंश्योरिंग डेट द वन पर्टिकुलर एरिया शुड हैव इन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ सम प्रोड्यूस फॉर ऑल जनरेशन टू कम। वॉट डू यू थिंक विल स्टॉप द लोकल पीपल इन बिहेविंग इन स्मॉलर मैनर? उन लोगों का, जो इंडस्ट्रीज वाले का, उन लोगों का कोई मीनिंग ही नहीं है कि जैसे कि इस फॉरेस्ट में कि ऐसा ही हम कुछ यूज़ करेंगे, जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए भी ये लोग फॉरेस्ट काम आए। इन लोगों का ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ख़त्म हो गया दूसरे फॉरेस्ट पे, ये लोग क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि दूसरे जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, उनको ये सब मिलना चाहिए। तो आपके मदद से, यानी कि आपकी मदद से ये जो लोकल जो पीपल है, यानी कि इस तरह से जो भी फॉरेस्ट को जो ख़त्म करने वाले लोग, किस तरह से रोकना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि इसी लोगों को हम, तो जैसे कि लोग जो लो रेट में ये लोग गवर्नमेंट पास से ले रहे हैं, तो हमें उन लोगों को दाम क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जितने ट्री वो लोग कट करते उतने ट्री उन लोगों को प्रोड्यूस करना है। यानी कि उनको भी क्या करना है कि जंगल में, जैसे कि मान लेते हैं कि उन लोगों ने 6, 7, 5, 10, 12 जितनी भी ट्री उन लोगों ने कट करते उन लोगों को वही ट्री फिर से उगाना है। जैसे ही फिर से ये क्या करेंगे, जंगल फिर से भी हरा भरा रहेगा।
Lastly, we come to the nature and wildlife, the ancestors who are in no way dependent on the forest, but who may have a considerable say in their management. यानी कि बहुत लोग हम लास्ट में कि जो नेचुरल और एनिमल्स को क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वो लोग इस चीज़ को लव करते हैं, यानी कि जो नेचुरल के बचाने के लिए या वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स को लव करते हैं वो लोग क्या है कि वो फॉरेस्ट पे ऊपर डिपेंड नहीं है, बट वो लोग क्या करते हैं कि अपना सब कुछ इसी मैनेजमेंट को बचाने के लिए अपना कुछ इंपॉर्टेंस यानी देते हैं. The conservations were initially taken up with the large animals like lion, tigers, elephants. जैसे कि जो ये बड़े lions, बड़े बड़े animals है, lions है, tigers है, elephants है, उनको बचाने के लिए फिर से ये लोग क्या है मैनेजमेंट स्टार्ट कर लिया था. जो बड़े animals है हमें क्या करना है, सेव करना है. दे नाउ रिकोगनाइज द नीड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एज अ वॉल. अभी से उन लोगों को क्या करना है कि बायोडाइवर्सिटी है उनको बचाने के लिए फिर से उन लोगों को ने क्या दिया, इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया. बट शुड नॉट वी रिकोगनाइज पीपल एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम. तो उन लोगों को क्या कि जो फॉर्मिंग पार्ट को जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग है जो उनका एक फॉरेस्ट का क्या है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उनको क्या इम्पोर्टेंट देना नहीं चाहिए. देर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस ऑफ लोकल पीपल वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. यानी कि वो लोग जो है जो अपना ट्राई करते रहते हैं जंगलों को किस तरह से बचाया जाए, अपना मैनेजमेंट करते ही रहते हैं. ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल द केस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग इन द वेस्टर्न राजस्थान ऑन द बॉर्डर ऑफ द थार डिजर्ट. यानी कि एक थार डिजर्ट था उसमें एक बिश्नोई कम्युनिटी यानी एक बिश्नोई समाज था जो राजस्थान में है. राजस्थान की बॉर्डर पर एक थार डिजर्ट है उसमें ये लोग रहते थे. तो उन लोगों ने क्या किया, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अ रिलीजियस टेनेट फॉर देम. दिस नेचर loving people have for centuries been conserving the flora and fauna to the extent and scarifying their lives to protect the environment. They are living with the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all resources. The government of India has recently insulated an अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई वो इन द 1731 सेक्रीफाइस हर लाइफ अलोंग विद द 363 अदर्स फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज इन अ खेजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान. जो बिश्नोई कम्युनिटी है बहुत सालों से ये लोग क्या करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को भी वाइल्ड लाइफ नेचर को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं बहुत सालों से. तो उन्होंने जो बिश्नोई यानी कि जो अंदर अमृता देवी बिश्नोई था तो उन्होंने 1731 में यानी कि एक जोधपुर गाँव में खिजराली गाँव यानी कि खिजराजी विलेज है वहाँ पर एक खिजरी जम का जो ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया. यानी कि वहाँ पर जो जोधपुर में कौन सा विलेज था, खेजराली विलेज में खेजरी ट्रीज में जो अमृता देवी थे उनको बचाने के लिए उस ट्रीज को बचाने के लिए अपने वो तो मर गए उनके साथ 363 यानी 363 लोग उनको साथ भी अपना जंगल को बचाने के लिए उनका क्या किया बलिदान दे दिया. इसीलिए इंडिया ने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक अवार्ड के नाम से जाना जाता है. कौन सा, तो देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. यानी कि जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए जितना कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो उस पे ऊपर कौन सा अवार्ड के नाम के मुताबिक दिया जाता है, तो देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. यानी कि उसकी मेमोरी की याद में ये हमें अवार्ड आज भी हमें अवार्ड मिलते हैं. Studies have shown that the
prejudice against the traditional views the forest area has no basis. Here is an example. The Great Himalayan National Park contains with a reserve area alpine meadows which were grazed by sheep in the summer. Nomadic shepherds draw their flock up from the valleys every summer. When this national park was formed, this practice was put on in the end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass the first grows very tall and they falls over the preventing fresh growth. यानी कि हमने जो स्टडी किया है उसके ऊपर से क्या पता चल रहा है? यहां पर क्या बोला कि स्टडी से वाज शोन दैट द प्रीजडिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एज अ नो बेसिक. यानी कि जो ट्रेडिशनल जो स्टडीज के मुताबिक जो जो भी ट्रेडिशनल यूज करते हैं हम फॉरेस्ट में उसका वो कोई बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है. हियर इज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया हुआ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेंस विद द रिजर्व एरिया द अल्पाइन मीडोज विच वर ग्रेज बाय सीप इन अ समर. यानी कि जो सीप होते हैं वो लोग क्या करते थे हिमालय पे, वो अपना खाना जो अल्पाइन मीडोस वहाँ का एक जंगल बोला है, फॉरेस्ट का नाम अल्पाइन एक नाम है वहाँ का जंगल का, तो उसके वहाँ क्या करते थे सीप अपना खाना खाते थे. बट नाउ डिक द सीपर डाउन देयर फ्लॉक अप फ्रॉम द वैलीज एवरी समर. यानी कि वो जितने भी एवरी समर में ये सीप लोग क्या करते थे वहाँ खाना खाने के लिए, यानी कि जो भी आप देख सकते हो जो सीप होते वो अपना क्या बोलते हैं उसको हम ग्रास खिलाने के लिए हम क्या करते हैं जंगल में ले जाते हैं. तो वैसे ही जो अल्पाइन में वहाँ के जो सीप वाले लोग थे, जो सीप थे वो लोग अपना खाना यानी घास खाने के लिए वो कहाँ जाते थे, तो एवरी समर में वो लोग यहाँ पर जो अल्पाइन मीडोज यानी कि अल्पाइन फॉरेस्ट में वो अपना घास खाने के लिए जाते थे. व्हेन दिस नेशनल पार्क हैज अ फॉर्म द प्रैक्टिस वॉज पुट टू एन एंड. यानी कि जब भी ये अल्पाइन नेशनल पार्क बन गया तब से इन लोगों का वहाँ आना जाना क्या हो गया, बंद हो गया. इसी वजह से नाउ इट सीम दैट द विदाउट द रेगुलर ग्रेजिंग बाय सीप द ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल. यानी कि जो पहले क्या होता था कि जैसे कि सीप जाते थे वहाँ का जो ग्रास होते थे वो खा जाते थे और फिर से नए घास प्रोडक्शन होते थे. अब वहाँ पर सीप जाते नहीं है तो जो वहाँ का जो ग्रास है वो क्या हो गया कि बड़े टॉल यानी कि वो बड़े बड़े लंबे होते गए एंड दिस फॉल्स ओवर द प्रिवेंटिंग द फ्रेश ग्रोथ. यानी कि जो पहले वाला जो ग्रोथ बनता था अब वो ग्रोथ होता नहीं है. तो इसी तरह से हम जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में जो नेशनल पार्क कर रहे हैं पर वहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो भी जो सीप जैसे कि कोई ऐसे एनिमल्स है जो वहाँ पर घास खाने के लिए जाते हैं उनको भी रेगुलर वहाँ जाने के लिए जाना चाहिए. जैसे कि ये लोग घास को खाते रहेंगे अब तभी वो नया घास क्या होगा, प्रोडक्शन होगा. जैसे कि ये लोग खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, खाना बंद कर देंगे तो ग्रास क्या होगा उनको फिर से जो फ्रेश ग्रोथ होगा वो होगा नहीं और उनकी जो हाइट है वो बढ़ती रहेगी. ठीक है, अभी क्या बोला है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट बाय यूजिंग फोर्स कैट नॉट पॉसिबल बाय सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. यानी कि जो बहुत सालों से ये लोग क्या करते थे कि जो लोकल पीपल है उनको ये प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट में पर वो सक्सेस हुए नहीं. इन एनी केस द डिमांड कर्स टू प्रोड्यूस कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली द लोकल पीपल. वन कैन नॉट टर्न ब्लाइंड आई टू द डिफॉरेस्टेशन कॉज बाय द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग रोड्स और डैम्स. यानी कि जो भी जो फॉरेस्ट में जो भी क्या बनते थे रोड डैम्स बिल्डिंग, तो हम क्या करते जो भी जितने भी डेवलप करते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट को क्या होता है, नुकसान ही होता है. तो वहाँ के जो लोकल पीपल है इसी तरह से वो लोग प्रोटेक्ट करते थे बहुत सालों बहुत लॉन्ग टाइम से वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं इनके, तो वो लोग इस बात में सक्सेस हुए नहीं.
आज जो भी डैम्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल बन रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर इस क्या करते हैं कि डैमेज होता है फॉरेस्ट को, वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर उसको नेग्लिगेट करना नहीं चाहिए। द डैमेज कज बाय द रिजर्व्स बाय टूरिस्ट और द अरेंजमेंट मेड फॉर देयर कंजर्वेशन इज ऑल्सो बी कंसिडर। यानी कि जो टूरिस्ट एरिया भी बना देते हैं, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो भी फॉरेस्ट होता है उनको क्या करता है, डैमेज होता रहता है। वी नीड टू एक्सेप्ट द ह्यूमन इंटरवेंशन हैज़ बीन वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंडस्केप। यानी कि हमने मानना ही चाहिए कि जो वन के लिए जो भी फॉरेस्ट में जो भी डैमेज होता है उसके ऊपर जिम्मेदार कौन है, हम ही हैं। ह्यूमन ही जो है जो फॉरेस्ट को लैंडस्केप के अंदर डैमेज करने के लिए बहुत बड़ा पार्ट है। वॉट हैज़ टू बी मैनेज इन द नेचर एंड वॉट मे बी द एक्सटेंडेंट ऑफ दिस एनवायरमेंट। हमें किस तरह से एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो क्या करोगे आप इस तरह से कि जो किस तरह से मैनेजमेंट करोगे कि आप फॉरेस्ट बचा रहे, अगली जनरेशन के लिए भी बना रहे, ऐसा एक यूज़ होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो फॉरेस्ट रिसोर्स आउट टू बी यूज इन अ मैनर डैट इज़ द बोथ एनवायरमेंटली एंड डेवलपमेंटली साउंड। इन अदर वर्ड्स, वाइल द एनवायरमेंट इज़ अ प्रीजर्व द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्रोल एक्सप्लोजन गो टू द लोकल पीपल। यानी कि जो फॉरेस्ट में से जो भी मिलता है वो लोकल पीपल के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी इतना ही मिलना चाहिए जितना एक इंडस्ट्रियल्स वाले को भी मिल रहा है। हमें ऐसी मैनेजमेंट करना चाहिए कि सबको यूज़ होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि खाली वो इंडस्ट्रीज वाले एरिया भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, जो लोकल के जो पीपल है उनको भी हक बनता है कि ये भी क्या करे कि उसके अंदर जो भी फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन होता है उनको भी इसी रेट में, इसी कम दाम में मिलना चाहिए। The kind of economic and social development we want to ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed। यानी कि हमें उसी तरह से हमारा डेवलपमेंट करना चाहिए, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो चाहे इकोलॉजिकल हो, कि उसी तरह से हमारा यूज़ होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और डिस्ट्रॉय यानी कि डिस्ट्रॉय यानी नुकसान होना चाहिए नहीं। जो आज तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट का तो जो हो जो मैनेजमेंट है जो वो तो हो ही रहा है, पर साथ साथ में उसका भी डिस्टर्ब भी साथ साथ में होता है, क्योंकि डैम बनते, बिल्डिंग बनते, नई नई सिटी बनती है, नए नए नेशनल पार्क बनते हैं, तो वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो क्या होता है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। जैसे ही जैसे डेवलपमेंट, जैसे ही जैसे जनरेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वैसे वैसे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए नहीं। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट के साथ साथ इसको फॉरेस्ट एरिया को भी नुकसान होना चाहिए नहीं। द एनवायरनमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रिस्टाइन कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। जो एनवायरनमेंट के लिए जो हम क्या करते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो खाली डेकोरेट करने के लिए नहीं होते। इट इज़ द वास्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी टू ऑफर अ रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर यूज। यानी कि हमें उसके अंदर से जो रिसोर्सेज यानी कि जो सोर्स मिल रहे हैं उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। वी नीड टू यूज द रिसोर्सेज विच ड्यू टू द कंसर्न फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ टू मीट अवर मटेरियल एस्पायरेशन।
यानी कि हमें उसी के जो इसी तरह से जो रिसोर्स है उसका हमें सही से सोशल और इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ के लिए भी सही से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी तरह से जो भी इसको रिसोर्स है उसको हमें सही तरीके से सेव करना चाहिए।